हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ए प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए। सो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए तुम लोगों को बहुत ईजी प्रोसेस बताऊंगा। तो पहले तुमको क्या करना चाहिए, 1 प्लस ए का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो ए का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर पुट करना है 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 तुमको लेना है। उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो 1 और 2 को तुमको एलसीएम करना है। 1 डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 के साथ 2 को एलसीएम करने से क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 लेना है। तो इसको कैलकुलेशन करने से मिलेगा 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो तुमको वैल्यू किसका निकालना है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ए का, इसलिए तुमको फिर से रूट लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तुम रूट लेने से तुम राइट साइड में भी तुमको रूट लेना है चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इस नंबर को मतलब 2 प्लस रूट 3 बाई 2 को स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आज तुम लोगों को बहुत ईजी प्रोसेस बताऊंगा स्टूडेंट। तो पहले तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, और रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 2 के साथ 2 को 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करना चाहिए, इस नंबर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म लिखने से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर इस नंबर को स्क्वायर में लिखने के लिए तुमको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहिए। उसके बाद इस फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला अप्लाई करने से बहुत ईजी से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 को कैसे तुमको लिखना है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर दो टर्म, ठीक है, 4 और 2√3। तो 4 को तुमको क्या है, ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2ab क्या है, 2√3, मतलब यहाँ पर लिखना है 2√3, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। तो b का प्लस में क्या है, 1, और a का प्लस में क्या है, तो √3। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर 3 प्लस 1 लिखना चाहिए। 4 को कैसे लिखना है, 3 प्लस 1 लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तुमको 3 को तुमको स्क्वायर में लिखना है। तो 3 को स्क्वायर में लिखने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, 3 को तुमको रूट में लिखना है, √3² लिखना चाहिए। तो √3² मतलब क्या होगा, 3 होगा, प्लस 2ab मतलब 2√3 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है, 1, मतलब यहाँ पर देखो b का प्लेस में 1 है, इसलिए तुमको 1 को स्क्वायर में लिखना है। यहाँ पर देखो इजी से तुमको, तो इस एक्सप्रेस 4 प्लस रूट 3 को इस फिगर में मतलब स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखने से इस टाइप तुमको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में, तो 4 यहाँ पर देना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, तो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट √3 + 1 होल स्क्वायर लिखना चाहिए, √3 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर नंबर का रूट करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और रूट भी रिमूव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट करने से क्या होगा, 2 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ए का वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली 1 माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के पोजीशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, तो इस वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, किसका वैल्यू निकालना है, रूट ओवर ऑफ 1 - 1 + a प्लस रूट ओवर ऑफ 1 - a का वैल्यू निकालना है। तो दो वैल्यू पुट करना है, 1 रूट ओवर ऑफ 1 + a का वैल्यू क्या है, √3 + 1/2, यहाँ पर लिखना है √3 + 1/2,
और इसका वैल्यू क्या है, माइनस रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो इसको एलसीएम करो, एलसीएम करने से टू ही होगा सेम नंबर। तो यहाँ पर सेम नंबर न्यूमरेटर को सेम तुमको लिखना चाहिए, रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट थ्री माइनस वन, प्लस माइनस प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और रूट थ्री प्लस रूट थ्री मतलब क्या होगा, टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। सो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो गया रूट थ्री। सो माई डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, रूट थ्री। सो माई डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस प्रोसेस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।